ये उर्वशी कभी किसी की दोस्त नहीं बन सकती, किसी की कुछ नहीं बन सकती है सिवाय अर्जुन के। मुझको लगा ही था कि तुम मेरे साथ नाचने के लिए इसीलिए तैयार हुए क्योंकि तुमको उस उर्वशी को जलाना है ना। मैंने कहा था ना चेहरा झूठ नहीं कहता। अच्छा तो फिर तुम अपना भी चेहरा पढ़ लो, क्योंकि तुम्हारा चेहरा भी साफ बयां कर रहा है कि तुम मेरे साथ डांस अर्जुन को जलाने के लिए कर रही हो। नहीं, मुझको नहीं लगता है कि उनको मुझसे कोई फर्क पड़ता है। तुम हमारे साथ चलो, तुम्हें कुछ बताना है। क्या बताना है? यही बताओ ना। नहीं, अगर तुम सचमुच कुछ जानना चाहती हो तो हमारे साथ आना होगा। तुम आ रही हो या नहीं? रज्जो डर मत, अब बात की तह तक जाना है तो साथ जाना ही पड़ेगा। What the hell? ये कहाँ चल दी? Excuse me, हम वॉशरूम होके आते हैं। बेबी, वॉशरूम तो उस साइड है ना? क्या? भाई 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 क्या हुआ? मुझे शराब चाहिए, फौरन चाहिए, फौरन। हमें शराब चाहिए। क्या हुआ? लेकिन वहाँ क्या? बात मत करो, हमें शराब चाहिए अभी के अभी, शराब चाहिए हमें। भाई हुआ क्या? क्या हुआ? क्यों बताया तुम्हें? तुम्हें गुस्सा करने से और खेल खेलने से फुर्सत का है जो हमारा ख्याल रखोगे। हमारा ख्याल रखने के लिए हमारी बहन है, हमारी रज्जो। अपनी बीमार माँ को छोड़ के वो पूरे टाइम हमारा ख्याल रख रही थी, सिर्फ हमारा। नहीं तो पड़े रहते कहीं पे मरे हुए, किसी को पता नहीं लगता। भाई ऐसा मत बोलिए ना। भाई मैं बताइए ना क्या हुआ। भाई बताइए ना, अचानक से पीना शुरू क्यों किया? भाई क्या हुआ ऐसा? आपने बंद कर दी थी ना शराब, क्या हुआ? भाई क्या हुआ? हमें बहुत डर लग रहा, बताइए ना। भाई हमारे कहने से छोड़ देंगे क्या? हमें शराब चाहिए, हम शराब पियेंगे जब तक दिल चाहेगा, तब तक पिएंगे, सुबह से लेकर शाम तक पिएंगे। तुम जाओ, उर्वशी करो। हमारी बहन रज्जो को छोड़ के तुम बहुत गलत कर रहे हो, गलत फैसला है तुम्हारा। अपने हाथों से अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे हो तुम। जाओ, हमें दारू चाहिए। भाई नहीं, हमें शराब चाहिए। नहीं, हटो यहाँ से। नहीं भाई, जाओ, मैं हटेंगे। जाओ यार, मैं हटेंगे। नहीं जाओ, हम जाते हैं। हटो भाई। भाई क्या हुआ ऐसा जो सिर्फ रज्जो को पता है? अब तक तो दोपहर भी शुरू नहीं हुई है और तुमने शुरू कर दी। अमेरिका में ऐसे ही होता है क्या? नहीं ऐसा नहीं है, तुम डरो मत, हम नशे में नहीं है। वो क्या है ना, हम लड़कों का पहले से तय था कि शादी की पूजा जब शुरू होगी तो उससे पहले हम पार्टी शादी कर लेंगे, लेकिन वो ताई जी ने मना कर दिया। कोई लड़का एंजॉय नहीं कर पाया। लेकिन इस घर में तो दारू नहीं आती। हाँ पता है। थैंक्स चिराग भाई, हम एयरपोर्ट से एक बॉटल ले आए थे। सीक्रेट था ये राज जो हम सब लड़कों ने छुपा कर रखा था। और तुम भी उसे छुपा कर रखना, समझी? अच्छा, बताने से याद आया कि तुम मुझको यहाँ कुछ बताने के लिए लाए थे ना? तुम भी सवालों की मशीन हो क्या? एक सवाल खत्म होता ही दूसरा, तीसरा, चौथा, पूछती रहती हो। वैसे उर्वशी को लेकर यू आर राइट, उस पर यकीन नहीं किया जा सकता, और अर्जुन के मामले में तो बिल्कुल भी नहीं, कोई परवाह नहीं है उसे अर्जुन की। इतना तो मुझको भी पता है, पर उसके आगे उर्वशी को किसी की कोई परवाह नहीं है, तो अपने जाल में खुद फंसती जा रही है। उसने कोई जाल बुना है, तुमको पता है? हाँ, बहुत खतरनाक जाल है, बहुत बुरा करने वाली है वो। क्या? मुझको पता है तुमको उर्वशी की बहुत परवाह है, मैंने देखा है तुमको, तुम हमेशा उसकी मदद के लिए उसके आसपास रहते हो, और अच्छी बात है तुम दोस्त हो, उसके दोस्तों को तो दोस्ती मदद करते हैं ना, पर अब जब वो कुछ खतरनाक करने जा रही है तो तुमको भी तो चिंता हो रही होगी ना उसकी। ये जो वो करने जा रही है उससे उसको भी तो नुकसान हो सकती है ना, उसकी छाल उल्टी पड़ सकती है, और इसका अंदाजा तो तुमको होगा ना, अब तक तो हो ही गया होगा। वैसे वो करने क्या वाली है, उसको मचाया जा सकता है क्या? जल्दी बताओ। नमन बाबू, क्या हुआ? ठीक है, अगर बात इतनी खतरनाक है तो बाद में बात करते हैं, मैं जाती हूँ। नमन जी, जासूसी कर रही हो ना तुम हमारी? हैं? रज्जो गई कहाँ नमन के साथ? चलो सब तैयार होना शुरू कर दो, तुम भी लल्ला जल्दी। जी माँ, आए। नजर रख लियो हम पर, हाँ? तभी इतने सवाल जवाब कर रही हो, वरना घर में इतने सारे मेहमान हैं, किसी से कोई सवाल क्यों नहीं, सिर्फ हमसे ही क्यों? क्योंकि तुम भी तो सवाल कर रहे थे ना, और आज से बात शुरू हुई, तो तुमको बात नहीं करना तो जाने दो, मुझको क्या पड़ी है, तुमको करनी होगी तो करना, नहीं करनी होगी तो मत करना। थैंक यू खाद बाबू, थैंक यू, हमेशा की तरह इस बार भी आके तुमने मुझको बचा ही लिया। अरे अर्जुन, आराम से लग जाती यार। क्या चल रहा है? कुछ नहीं, वो तुमसे बात नहीं कर रहे हैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो नाच के बारे में बात करने आई थी। यहाँ बंद कमरे में? अक्ल नहीं है तुम्हारे अंदर? तुम्हें दिख नहीं रहा है नशे में है? जाके उर्वशी को तैयार करो, हमारी होने वाली दुल्हन को। सुना नहीं दे रहा तुम्हें हम क्या कह रहे हैं? क्या डांस सीखना तुम्हें यहाँ पर? नहीं, मुझको बहुत काम है, टोरी दीदी को सजाना है। जाओ यहाँ से। अर्जुन, क्या हो गया? ऐसा है नमन, हमारी बात ध्यान से सुनो, बार बार नहीं समझाएंगे। रज्जो से दोस्ती और नजदीकी हमें पसंद नहीं है, दूर रहो जरा, समझे तुम? वैसे भी आज रात को हमारी शादी है, वो यहाँ से हमेशा के लिए चली जाएगी। रज्जो से दूर रहो जरा, वैसे भी आज रात को हमारी शादी है, वो यहाँ से हमेशा के लिए चली जाएगी। ये कब लगा कमरे में? ये कैमरा? इसका मतलब उस पुष्कर ने मुझ पर नज़र रखने के लिए ये एक नया इंतज़ाम भी कर लिया। अब क्या करूं? ये नर्स तो भी अपनी चाय लेने बाहर जाएगी, लेकिन इस कैमरे की नज़र तो फिर भी मुझ पर बनी रहेगी। मगर जो भी हो, रज्जो से बात तो मुझे करनी ही होगी और अर्जुन बाबू को भी उस उर्वशी से शादी करने से रोकना ही होगा। ये कौन लोग हैं? यहाँ हम पैकेट लेकर रेडी खड़े हैं और उर्वशी फोन ही नहीं उठा रही है। 100 बार इसे कहा, रज्जो बाहर जाओ बाहर जाओ, लेकिन यह है कि यहाँ से हिलने का नाम नहीं ले रही। अब तो मैं यहाँ से हिलने नहीं वाली। वैसे ही मेरे पास वक्त कम है। किसका फ़ोन आ रहा है इसे लगातार, जिसे ये मेरे सामने उठा नहीं रही। इतना घबरा रही है। सुनो, तुम मेरे लिए कुछ खाने के लिए ले आओ। मैं हरिया काका को बोल देती। खाद बाबू ने मुझको तुम्हें तैयार करने के लिए कहा है। मैं नहीं जा सकती। हाँ, फंस गए यार। क्यों रखा है इसे हमने काम पे? घंटी ना हुई है तो फंदा हो गया हमारे गले का। घंटी, ए घंटी, सुनाई नहीं दिया तुम्हें? मम्मी जी बुला रही है, जाओ जाओ। घंटी जल्दी आओ। अरे जाओ, मम्मी जी बुला रही है, जल्दी जाओ। जाओ। हमें कुछ पता नहीं चला और उस नमन ने भी कुछ नहीं बताया। ऊपर से वो इतने नशे में है कि दोबारा जाके पूछ भी नहीं सकती। ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ मेरी नज़र के सामने है, पर इतना धुंधला कि कुछ साफ नज़र ही नहीं आ रहा है। उर्वशी मुझको बार बार अपने कमरे से भगा रही थी। मतलब वो जरूर कुछ गड़बड़ करने वाली है, पर कब क्या कैसे पता करूँ समझ में भी नहीं आ रहा है। टीम भी निकला जा रहा है। अरे क्या कर रहा है? उर्वशी तो फोन उठाने से रही। ऐसा करते हैं, इस ड्रग्स को लेकर ठाकुर निवास के आउट हाउस में चलते हैं। लेकर चलो। ड्रग्स का पैकेट? कौन है ये लोग? मुझे रज्जो को बताना होगा, लेकिन जाऊं कैसे? पुष्कर की नजर हर वक्त मुझ पर ही है। वाह, तुझे ऐसे छटपटाते हुए देखकर हमें कितना आनंद आ रहा है हम बता नहीं सकते। जैसे तू ना हुई कोई जलबिन मछली हुई। मनोरमा धाकी। तो वैसे टेम ने मेरे पास बस इसे जाने के लिए अलग दे दिया। अभी दिए लगाओ इसमें, ना भी नहीं कर सकती वरना अलग चिटम चिल। मैं तुमको खोना नहीं चाहती खाद बाबू। तुम्हें खोने के ख्याल से भी जान जा रही है हमारी। क्यों? ये तो होना ही था, पता था मुझको, फिर भी मैं खुद को तैयार क्यों नहीं कर पाई। क्यों अब तक हम वहीं अटके हैं, हमारी तुम्हारी पहली मुलाकात पे? किसने मारा हमारे खाद बाबू को? मैंने तो कहा था मैं आगे बढ़ जाऊंगी। फिर पिछला भूल क्यों नहीं पा रहे हम? तुमको भूल क्यों नहीं पा रहे हम? इसका जवाब मिले तो मुझको भी बताना। नहीं, पहले तुम हमको अपना हाल दिल बताना। रज्जो, शुक्र है भगवान का वो नर्स यहाँ नहीं है। घंटी कहाँ रह गई? तुझसे जुड़ा क्यों मनवाना जाने साथी रे। What the? ये क्या क्या तुमने? देखकर नहीं चल सकते क्या? हाँ तो मेरी आंखें छोटी है ना तो नजर नहीं आई मुझको। तुम्हारी आंखें तो बड़ी है ना, तुमको देखना चाहिए था। देखो, नजरों का आंखों के साइड से मतलब नहीं होता है। जिसको जो नजर आना है ना नजर आ ही जाता है। हाँ, और जिसको जो नजरअंदाज करना होता है ना वो कर ही जाता है। और इतना चिढ़ो मत, अकेले तुम नहीं भीगे हो। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? शादी हमारी है ना, तुम्हारी नहीं ना। आप तो पानी गिरा है ना कपड़ों पे, ठीक हो जाएगा। और ना भी हो तो तुम्हारे लिए कौन सी मुश्किल है। सही कह रही हो, सब कुछ मुमकिन है हमारे लिए। तो बस फिर क्या शिकायत है? वैसे तुम्हारी खुशी का ठिकाना नहीं होगा ना आज, शादी जो हो रही है तुम्हारी। खुशी तो तुम्हें भी बेहिसाब होगी, तुमसे छुटकारा जो मिल रहा है तुम्हें आज। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।